कुछ डिजाइनर ब्लाउजेज हैं और ऐसे टोटल 500 इनके हुक्स लगाने हैं। मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हूँ। मैं काम करने आया हूँ, काम को इबादत समझता हूँ और काम करने वाले को रब। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही क्या मैडम जी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना बड़ा फर्क होता है। सर आपके सामने आ जाती है मेहर की सारी सच्चाई। भाई यहाँ पर सर की नौकरी छूट गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को जॉब से क्यों निकाल दिया, मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा था यहाँ पर, बॉस तारीफ भी करता था मेरी। ये कुछ डिजाइनर ब्लाउजेज हैं और ऐसे टोटल 500 इनके हुक्स लगाने हैं। मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हूँ। मैं काम करने आया हूँ, काम को इबादत समझता हूँ और काम करने वाले को रब। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही क्या मैडम जी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना बड़ा फर्क होता है। लेकिन भाई उसको फाइनली पता लग जाता है कि इन सब के पीछे ना एक सरफरी लड़की का हाथ है और वो है मेहर। हमने देखा ही था ना किस तरीके से यहाँ पर सरफ मेहर की लड़ाई हो गई थी और अब तो हानिया भी उसकी दुश्मन बन गई थी। यहाँ पर उसको लग रहा था कि दोनों बहनें इन्हें नकचढ़ी हैं और मैं इनको बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। और यहाँ पर कितनी बार झगड़ा भी हुआ, शादी में भी देखा था कि वो सरफ को धमकी देती है जूस वगैरह से, जो सरफ होता है वो उसकी ड्रेस से पहुँच देता है और वहाँ पर फिर वो धमकी देती है, गुस्सा आ जाता है। फिर हम बाद में भी देखते हैं कि ऑफिस में आकर ना बड़ा नाटक होता है यहाँ पर। बॉस तो भाई भेजता है सरब को कि तुम एक काम करो, तुम इस गेस्ट को लेकर आना, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है क्योंकि मेहर ने पहले से ये सारी प्लानिंग करी होती है ना कि सरब पहुंचेगा नहीं और बॉस उसको एकदम फाइनली निकाल देगा। तो भाई अब यहाँ पर ना एक अलग ही लव ट्रायंगल तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन अलग ही ना दुश्मनी वाला ट्रैक बन गया है। और दुश्मनी वाले मतलब तीन लोग हो गए यहाँ पर, हानिया, मेहर और सरब। और यहाँ पर हानिया तो भाई सरब को बहुत पसंद कर रही है, लेकिन सरब अभी किसी को पसंद नहीं करता। सरब पहले मेहर को पसंद कर रहा था, उसको अपनी कैटरीना कैफ समझता था, लेकिन वही इतनी नकचढ़ी है कि उसका जॉब भी चला गया उसकी वजह से। तो अब वो उसने अपने आप को ना उसको दुश्मन मान लिया है। और वहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना आसमा की जो कंपनी है उसको 15 साल हो चुकी है और उसकी पार्टी चल रही है और यहाँ पर सरब आके करेगा हंगामा।